बाड़मेर के लंगेरा फाटा पर स्थित हालावाला जैन श्री संघ द्वारा नवनिर्मित गोड़ी पार्श्वनाथ जिनालय व मोक्ष पूजा संखलेचा की दीक्षा के चार दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन भी कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रातः मंदिर में देवी पूजन, 18 अभिषेक की पूजा के बाद वरघोड़ा निकाला गया। महावीर चौक से निकले वरघोड़े को जिन मणिप्रभ सूरीश्वर व अन्य साधु साध्वी गणों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वरघोड़े में बैंड बाजे, नृतक, कलश धारण किए चल रही महिलाएं व बालिकाएं रथ पर सवार मुमुक्ष पूजा संखलेचा के साथ सजे धजे हाथी घोड़े खास आकर्षण का केंद्र रहे। मंगलवार को प्रातः 8 बजे भव्य प्रभु जी का दीक्षा कल्याणक एवं मुमुक्ष पूजा संखलेचा की वर्षीदान वरघोड़ा महावीर चौक कल्याणपुरा से प्रारंभ हुआ। संयम पथ पर चली पूजा संखलेचा की भगवती दीक्षा का मुख्य समारोह बुधवार को आयोजित होगा। शहर के मुख्य मार्गों से निकला वरघोड़ा, हजारों लोग इस वरघोड़े को देखने के लिए उमड़ पड़े। भगवान महावीर चौक से शुरू हुआ वरघोड़ा यहाँ से शुरू होकर माणक अस्पताल, कल्याणपुरा, आराधना भवन, प्रताप जी की प्रोड, मोक्ष बार, चिंदनियों का जाल, महावीर सर्किल होते हुए लंगेरा रोड स्थित गोड़ी पार्श्वनाथ मंदिर पहुंचा। जिनकांतिश्वरी सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारण वरानम सर्व धर्मानम जय बुधवार को मुमुक्षु पूजा संखलेचा की भगवती दीक्षा आयोजित होगी। खत्तर गद्दाधिपति आचार्य मणिप्रभ सूरीश्वर जी महाराज सा के साथ उनके शिष्य मुनि मयंक प्रभात सागर जी महाराज सा, मुनि मनित प्रभ सागर, मुनि मेहुल प्रभ सागर, मुनि मयुक प्रभ सागर, महित प्रभ सागर व आज्ञानुवर्ती साध्वी कल्पलता श्री जी, हेमरत्ना श्री जी आदि साध्वी मंडल का पावन सानिध्य रहा। मंदिर प्रांगण में भगवान को विराजमान करने सहित कई बोलियां, 18 अभिषेक व दोपहर में पंच परमेष्टि पूजन, शांति स्नान पूजन, मेहंदी एवं गांव सांझी, रात्रि में भव्य आरती, कुमारपाल राजा द्वारा व भव्य भजन संध्या एवं दीक्षार्थी का विदाई कार्यक्रम, विशेष स्वागत कक्ष में लाभार्थियों का बहुमान किया गया। मंगलवार मध्य रात्रि अंजन विधि के बाद रात्रि बाहर से आए गायक कलाकारों द्वारा भक्ति की रमझट जमाई।